हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभि मित्तल एंड यू आर वॉचिंग अभि मित्तल व्लॉग्स। मुझे कुछ व्यूअर्स की रिक्वायरमेंट आई है कि रोहतक पीजीआई या फिर कोई भी हरियाणा का स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या फिर हरियाणा का एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचने हैं फॉर द डीवी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या फिर जब आप सबमिशन करेंगे फाइनली अपने एफिडेविट बॉन्ड्स वगैरह, तो कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा उनकी आपको दो दो फोटोकॉपी का सेट लेना कंपलसरी है, और अपनी 5 लेटेस्ट फोटोग्राफ्स भी ले जाना। ओके, ये मैंने जो लिस्ट है ये रोहतक पीजीआई के सुपरिटेंडेंट ऑफिस से इशू ली थी। ओके, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड और नीट का स्कोर कार्ड लेना है, उसकी 2 फोटोकॉपी कर लीजिएगा, और मैं तो कहूँगा कि 3 कर लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी होगी तो भी कोई बात नहीं है। मतलब इमरजेंसी वो कह देगी कि मान लो 2 तो रख ली और एक को किसी काम में चाहिए, तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इमरजेंसी में कुछ भी हो जाए। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए और एडमिशन लेटर होना चाहिए आपके पास, जो कि स्टेट के बच्चों के लिए है मेनली, और अलॉटमेंट लेटर जो है वो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए भी है। एडमिशन लेटर जो कि फीस भरने के बाद और फर्स्ट डीवी के बाद जो बच्चों को मिला था, जो कि मेडिकल में जरूरत पड़ेगी एडमिशन लेटर की, और जब आप फाइनल ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तभी भी आपको एडमिशन लेटर और अलॉटमेंट लेटर की जरूरत पड़ने वाली है। 10th की मार्कशीट और डीएमसी, उसकी 2 फोटोकॉपी विद ओरिजिनल, ये सभी आपको ओरिजिनल्स भी लेके पहुंचने हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो होते हैं वो सबमिट हो जाएंगे ड्यूरिंग योर कोर्स। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मतलब जिसे हम डीएमसी बोलते हैं, वो लेके जानी है, जिसके अंदर मार्क्स ऑब्टेंड, परसेंटेज वगैरह ये सब कुछ होगा। साथ में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 10+2 का पासिंग सर्टिफिकेट। ओके, मतलब एक तो होती है डीएमसी और एक आता है पासिंग सर्टिफिकेट, जिसे हम मेरिट सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं कभी कभी, वो होता है, वो भी आपके पास ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। देन वी हैव कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि स्कूल से इशू होता है। ओके, अगर आप कोई ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो जो नोटरी से या फिर कोर्ट से इशू होता है गैप ईयर सर्टिफिकेट, वो भी जरूरी है, और जब आप ड्रॉप कर लेते हैं तो एक नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है उस ईयर का, वो भी जरूरी है, जो कि गैप ईयर में इंक्लूड हो जाता है मोस्टली। अगर उसमें आप इंक्लूड नहीं करवाते हो तो अलग से आपको बनवाना पड़ेगा। तो आप जितने भी ईयर्स का ड्रॉप करें और स्कूल वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी को साथ ले जाएं, जौन सा उनको जरूरत होगी वो रख लेंगे, क्योंकि आपका फ्यूचर इस पर डिपेंड होगा। अगर आप एक भी छोड़ देते हैं, अगर वो कोई कमी उठा दी जाती है, तो आपके साथ मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा हो। आप हर एक डॉक्यूमेंट अपने साथ रखिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको स्कूल से इश्यू हुआ था, वो ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कैटेगरी में हो, अगर आप EWS हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट इज मस्ट, और इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, मेनली फॉर जो लोग इनकम के बेसिस पे सिलेक्शन ले रहे हैं। ओके, मेनली जो EWS होते हैं, अगर रिक्वायर्ड हो तो, मतलब अगर आप BCA, BCB, SC, ESM जो भी हो, उसका एफिडेविट या फिर उसकी जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। देन वी हैव डोमिसाइल, हरियाणा रेजिडेंसी प्रूफ, कि आपने अगर हरियाणा कोटे से लिया है तो आपका डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप किसी अदर स्टेट से भी आ रहे हो या फिर ऑल इंडिया से आ रहे हो, तो आप उस स्टेट का भी डोमिसाइल साथ में ज़रूर ले जाना, वो आपको हेल्प कर सकता है ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस। अगर आप PH कैंडिडेट हो तो आपको फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है, और आपने जो फीस भर दी है उसकी रिसिप्ट भी अपने साथ ले लीजिएगा, 2-3 फोटोकॉपी जरूर से। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपका वहीं बनता है जिस दिन आप, अब DV के बाद मेडिकल के लिए जब आपको वहाँ पे बुलाया जाता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वही बनता है आपका। आधार कार्ड की एक्स्ट्रा कुछ कॉपीज डाल लीजिएगा, 3-4 कॉपी आधार कार्ड की, ओरिजिनल भी रख लीजिएगा। ओके, देन आप बॉन्ड, सबसे बड़ी बात है बॉन्ड, यहाँ पे आपको 10-10 लाख रुपीस के 2 बॉन्ड बनवाने हैं, एक तो होगा सर्विस बॉन्ड और एक होगा सीट लीविंग बॉन्ड। अगर आपको इन बॉन्ड्स का पूरा फॉर्मेट देखना है, एफिडेविट का पूरा फॉर्मेट देखना है, तो मैं वीडियो को यहाँ पे ऊपर आई बटन में ऐड कर देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देता
दे देता हूँ। वहां पे मैंने इन बॉन्ड को एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसका फॉर्मेट है और आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके कहाँ से तैयार करवाने हैं। आप एफिडेविट जो है स्पेलिंग मिस्टेक का वो भी बनवाना बहुत जरूरी है। स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी, नहीं है तो भी, कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इसका फॉर्मेट भी मैंने उसी वीडियो में बताया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अगर इसके सिवाय आपका कोई ESM वगैरह, फ्रीडम फाइटर वगैरह कोई ऐसा सर्टिफिकेट होता है, ऐसा कुछ एफिडेविट वगैरह रिक्वायर्ड होता है तो उसे भी बनवा लीजिएगा। मेनली जो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स है वो इतने ही डॉक्यूमेंट की उन्होंने बात की है। अगर इसके सिवाय आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है आपका ID वगैरह का, उसे भी अपने साथ रख ही लीजिएगा। अगर वहाँ पे कुछ भी डिमांड उठती है तो आप उसे कंप्लीट कर सकें। ओके, यही इस वीडियो का मेरा एम है कि आपको वहाँ पे DV में कोई भी दिक्कत फेस करने को ना आए, क्योंकि वहाँ जब मैं DV के लिए गया था वहाँ पे हर रोज एक नई चीज बता देते हैं कि आपको ये लेके आना है, ये लेके आना है, पूरी बात नहीं बताई जा रही है किसी भी बच्चे को। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब द चैनल, और ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स DV वगैरह के लिए आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।